रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 5 विधेयक भी पटल पर रखे जाएंगे। सदन में विधायक पीसी शर्मा, पंचूलाल प्रजापति, संजय यादव, शरदेन्दु तिवारी अलग अलग विषयों पर ध्यान आकर्षण लाएंगे। कांग्रेस सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप पत्र तैयार किया है, जिसमें पोषण आहार घोटाला, शराब की अवैध बिक्री, महाकालू ईओडब्ल्यू की भूमिका, नेताओं की सुरक्षा और सम्मान में चूक, विपक्ष के विधायकों से भेदभाव जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। इधर सरकार ने भी विपक्ष पर पलटवार की रणनीति बनाई है। सोमवार को सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज ने विधायकों को सदन में विपक्ष पर हमलावर रहने को कहा है।